राम जिनका नाम है, अयोध्या जिनका धाम है, ऐसे श्री रघुनंदन को मेरा बारंबार प्रणाम है। मैसेज है तो गोविंद कृष्ण प्रभु अपना ये मैसेज हमें हैप्पी दिवाली विश करके क्यों नहीं बोलते हैं। दिस इज अ ट्विस्ट माय डियर फ्रेंड्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, फ्रेंड्स एंड एनिमीज, कलीग्स एंड डिवोटीज, हमें एक बात जाननी पड़ेगी, हमें एक बात अपने दिमाग में बैठानी ये पड़ेगी कि दिवाली श्री राम के बिना मेरी और आपकी दिवाली अधूरी है। इट्स इनकम्प्लीट। सिर्फ पटाखे जलाने से या किसी को ये कहने से कि तू क्या पटाखा लग रही है, हमारी दिवाली पूरी नहीं मानी जाएगी। या सिर्फ वैलेंटिनो, गैस, गुची, डोल्ची एंड गबाना, अरमानी, जारा, पेराडा जैसे ब्रांड्स को फ्लॉन्ट करने से भी हमारी दिवाली पूरी नहीं मानी जाएगी। और इफ यू थिंक यू नो ब्रेकफास्ट मैं करूंगा ताज होटल में, लंच मैं करूंगा लीलाज में, डिनर मैं करूंगा ओब्रॉयज में, और मेरी लेट नाइट पार्टी रेडिसन में ऑलरेडी बुक्ड है, इससे मेरे दिवाली के सेलिब्रेशंस और यू नो दे विल बी वेरी स्पाइस्ड अप, इससे भी हमारी दिवाली पूरी नहीं मानी जाएगी। और इफ यू थिंक और इफ आई थिंक कि ऑडी खरीदने से, दिवाली के दिन एक नई गाड़ी खरीदने से, बीएमडब्ल्यू खरीदने से, फॉर्च्यूनर खरीदने से, या कोई नया घर खरीदने से, कोई नए डायमंड गोल्ड नेकलेसेस खरीदने से, कुछ ज्वेलरी खरीदने से मेरी और आपकी दिवाली पूरी होगी, उसकी सेलिब्रेशंस पूरे माने जाएंगे, सो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग थॉट इन योर एंड माई माइंड। अगर हम ये सोचे कि मैं तो ये दिन है मुश्किल, जाकर लेट नाइट शो की टिकट्स अपने फ्रेंड्स के साथ देखूंगा एंड आई हैव लॉट्स ऑफ फन और मेरी दिवाली के सेलिब्रेशंस आर गोना बी कंप्लीट, ये भी गलत है। और अगर आप ये सोच रहे हो और अगर मैं ऐसा सोचूं कि रात को लेट नाइट पार्टी में जाकर ये निक्के निक्के शॉट्स मारने से या अपनी अपनी जोर से आवाज से चिल्लाने से हम ये बोले कि यार हुक्का बार 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 है ना, अगर हुक्का बार मारने से भी अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरी और आपकी दिवाली पूरी हो जाएगी, दैट्स ऑल्सो ए वेरी रॉन्ग थॉट। So now this is called breaking all kinds of stereotypes. क्योंकि आज तक तो हमने यही सोचा है, यही जाना है कि दिवाली का मतलब है क्या? दिवाली का मतलब हो सकता है exchanging dry fruits या exchanging gifts which have crossed the expiry date. इसको edit कर देना, sorry यार. या maybe हम सोचते हैं कि दिवाली का मतलब है wearing Indian clothes. एक दिन के लिए संस्कारी बन जाना है क्योंकि यार दिवाली है ना, सो वी थिंक वेयरिंग इंडियन क्लोथ्स विल मेक आवर दिवाली वेरी नाइस। या हम ये सोचते हैं ये तो 5 days का धमाका, छुट्टी, बैक टू बैक पार्टी, पार्टी तो बनती है, और वी थिंक यू नो नाउ देयर इज गोना बी यू नो लॉट्स ऑफ डेज ऑफ फन एंड एंजॉयमेंट, सो एक्स्ट्रा स्लीप कुछ करने को नहीं है, मस्ती करो बस, दैट्स इट। तो आज तक हमें यही लगा कि दिवाली का मतलब तो यही है, बट माई डियर फ्रेंड्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज प्लीज नाउ दिस इज द टाइम दैट वी हैव टू ओपन आवर माइंड टू द टॉपिक दैट व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ दिवाली। असली दिवाली का अर्थ ये है, द ट्रू मीनिंग व्हाट दिवाली एक्चुअली सिग्निफाइज एंड रिप्रेजेंट्स इज वेलकमिंग लॉर्ड राम, वेलकमिंग श्री राम into your lives, welcoming Shri Ram into your homes, welcoming Shri Ram into your mind, and welcoming Shri Ram into your heart. That is the true meaning of Diwali.